हेलो नमस्ते हेलो मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर ओन मोहम्मद रफ़ी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं फिर से आ चुका हूँ एक आज नया व्लॉग लेके। और पिछले कुछ दिनों से मैं आपको मिडनाइट व्लॉग दिखा रहा था कि पूजा पंडाल जा रहे हैं, घूम रहे हैं, पर आज मैंने सोचा कि इस टाइप के व्लॉग से थोड़ा रेस्ट लेते हैं, क्योंकि यार लास्ट 3-4 दिन से हम लोग बैक टू बैक रात के 2-3 बजे निकल रहे हैं। और अपना भाई भी जो है वो अपना फ़ास्ट फूड का शॉप चलाता है, दुर्गा पूजा के टाइम यू कैन अंडरस्टैंड कि फ़ास्ट फूड के शॉप में कितना ज़्यादा प्रेशर रहता है। और वो भी मतलब रात के 2-2.5 बजे तक दुकान चलाने के बाद मेरे साथ घूमने निकलता है, और मैं भी पूरा रात जगने के बाद सुबह काम पे लग जाता हूँ अपना। तो टोटल मिला के आज का दिन हमने सोचा कि थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड थोड़ा ऑफ बीट जाते हैं कि चलो आज बाइक लेके कहीं पे घूम आते हैं। तो इसलिए आज बस आपको मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे ही दिखूँगा, नॉर्मल सा व्लॉग दिखेगा आज आपको, ज़्यादा सिनेमैटिक्स नहीं दिखेंगे, एक्चुअली कोई भी सिनेमैटिक्स नहीं दिखेंगे, एकदम नॉर्मल सा व्लॉग रहेगा आज। तो अभी का प्लान तो फ़िलहाल मेरे लिए इतना ही है कि मैं अभी बांकुड़ा के साइड में जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मेरे को खाली रास्ता मिलेगा तो बाइक थोड़ा मैं टान सकता हूँ जम के। एक्चुअली पिछले कुछ दिनों से बाइक वैसा चला भी नहीं था, तो मुझे थोड़ा आज निकलना भी था कि चलो एक बार बाइक लेके इसको एक बार मस्त घूम के आते हैं कहीं से। एंड अभी तो बांकुड़ा जा रहा हूँ, बांकुड़ा के एक जान पहचान का जगह में ही जा रहा हूँ, जो आपने मेरे पुराने व्लॉग्स में देखे हैं वैसे एक जगह पे जा रहा हूँ। तो मैं आज जगह का नाम तो मेंशन नहीं करूँगा, पर आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सी जगह पे मैं जा रहा हूँ, वो आप गेस करके कमेंट बॉक्स में बता दो। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर ये जगह की आप पूछो मुझसे, तो ये जो जगह है भाई दुर्गापुर का सबसे अनसेफ प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ना भाई रास्ते का कोई सेफ्टी तो है ही नहीं। आप समझ सकते हो कि कैसा गड्ढा वड्ढा भरा हुआ रास्ता है, उसके ऊपर यहाँ पे लोग ना लेफ्ट राइट कुछ नहीं मानते हैं। अभी तो फिलहाल खाली है, पर जब जाम लगता है ना भाई, घंटे घंटे यहाँ पे वेस्ट होते रहते हैं। तो आई विल रिकमेंड आप जब भी इस ओवरब्रिज से गुजरो तो यार थोड़ा सावधानी से गाड़ी चलाओ और थोड़ा इधर उधर देख भी के चलाओ, क्योंकि यहाँ पे राइट लेफ्ट का कोई भाई सीन है नहीं। अब आगे का जो रास्ता है वो सीधा दुर्गापुर बैरेज जाता है, एंड बैरेज का रास्ता मैं आपको बक बक करके नहीं पकाऊँगा, तो वो रास्ता आप थोड़ा म्यूज़िक के साथ एंजॉय करो, और बाकी फिर से आपसे यही मोटो व्लॉगिंग सेटअप पे हम लोग मिलेंगे। I can see the light from your bedroom door. You've been staying up late, I don't know what for. It's what's a spinning blade to the ceiling fan. और आज मैं तो घूमते घूमते आपको एक चीज़ बोलना भूल ही गया कि आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, मतलब जिस दिन ये वीडियो को शूट हो रहा है, आज है महाअष्टमी, एंड जिस दिन आप ये वीडियो देखेंगे उस दिनों का महानवमी। तो आप सभी को मेरे तरफ से महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं, और अच्छे से बिताना अपना पूरा दिन और सेफली रहना। और समटाइम्स ना यार मुझे क्या लगता है कि ये जो हम जो लाइफ बिताते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत ब्रेक तो ज़रूरी है ही। मतलब पिछले 3-4 दिनों से ना हम लोग बैक टू बैक रात के 2-3 बजे वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं, एंड कंटिन्यूसली सिनेमैटिक्स ये वो चल रहा है ना। तो समटाइम्स ये सिनेमैटिक वाली लाइफ ना यार बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है, एंड हम जो चीज़ों को करते हैं उसको एंजॉय नहीं कर पाते, वी जस्ट टेक सिनेमैटिक्स एंड एडिट करते जा रहे हैं, अपलोड करते जा रहे हैं, और थोड़ा बहुत हेक्टिक माहौल हो जाता है हमारे लिए कि यार बैक टू बैक ना ये सिनेमैटिक्स ये वो लेना, उस जगह को हम थोड़ा एंजॉय नहीं कर पाते। तो इट्स रियली गुड उस चीज़ से आज हमें थोड़ा सा ब्रेक मिला है, और डेफिनेटली कल आपको पैंडल हम लोग घुमाएंगे। और ये जो रास्ता है यहाँ पे बाइक चलाने का मतलब मज़ा समझ सकते हो, सनसेट का टाइम है, सूरज आपको दिख रहा है सामने, और लेफ्ट में आपको ग्रीनरी दिख रही है, तो भाई मज़ा अलग है। और ये जो रास्ता है इसका ही असली मज़ा है भाई, मतलब मैं सच बताऊँ तो यही रास्ते पे एक बार बस बाइक चलाने के लिए मैं आ गया हूँ इधर, और आगे का रास्ता देखो कितना ही खूबसूरत होने वाला है। Thank you.
और ये फाइनली हम लोग अपने डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। और आप जगह का नाम मेंशन करो मुझे कमेंट में, कौन सा जगह है। पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है यार। लास्ट टाइम मैं जब आया था मेरे पास गोप्रो नहीं था। और चलो अब इधर से निकल लेते हैं, बस इतना ही देखना था। ज़्यादा सिनेमैटिक्स आज नहीं मिलेंगे आपको, मैंने जैसे बोला था। और इधर से लौटते लौटते दुर्गापुर, बांकुड़ा से दुर्गापुर की ओर जाते हुए मेरे को ये खूबसूरत सा पैंडल दिखा, तो इसके दर्शन क्यों ना करूं मैं। रास्ते में अगर मिल रहा है मुझे कि मैं कुछ अलग देख के जाऊं, तो डेफिनेटली मैं देखूंगा ही ना भाई। तो यहाँ पे भाई लाइटिंग इतना खूबसूरत है, और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे पार्किंग वार्किंग का कोई झमेला है नहीं। कोई एक जगह में जहाँ पे ये पूजा हो रहा है डायरेक्ट यहाँ पे बाइक घुसाने दिया है, तो भाई इसके लिए तो भाई तारीफ़ बनता है। और चलो बाइक रख के मैं आपको ये जगह थोड़ा घुमा देता हूँ। और जगह का नाम क्या है मुझे बिल्कुल पता नहीं, कोई मुझे अगर पूछेगा कि कौन सी जगह पे गए थे मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो यहाँ पे ये जो जगह आप देख सकते हो कितना ही खूबसूरत लग रहा है यार। मतलब अनएक्सपेक्टेड था, मुझे रास्ते में अचानक मिल गया। और क्या ही खूबसूरत है, क्या ही खूबसूरत है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। आप अगर आके इस जगह को देख सकते हो तो डेफिनेटली देख के जाओ। अब दुर्गापुर से बॉर्डर होते हुए राइट लेके जो रास्ता जा रहा है उसी में सीधा अगर आते जाओगे तो आपको ये पंडाल देखने को मिलेगा। इसके आगे भी एक मिलेगा, वो मैं देखता हूँ, अगर भीड़ ना रहा तो मैं उधर भी जाऊँगा एक बार। पर यहाँ का लाइट भाई क्या ही मस्त है, और बच्चे देख सकते हो यहाँ पर डिस्को डांस करने में लगे हैं। और चलो यहाँ से आपको अंदर ले चलते हैं और अंदर जाके भी आपको दर्शन कराते हैं। और अंदर से भी डेकोरेशन भाई बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो रखा है, मतलब बढ़िया काम है, बढ़िया। और मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग ये पूजा पंडाल वगैरह बनाते हैं वो तो अपने आप में बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, क्योंकि यार बस बांस और कपड़े से एक खाली जगह को इतना खूबसूरत बना देना, एंड यही खूबसूरत जगह के सराउंडिंग बहुत सारे लोगों की खुशियाँ हैं बहुत दिनों के लिए। तो यार इन लोगों को सल्यूट तो मेरी तरफ से बनता है एकदम पक्का। अब चलो इधर से हम लोग बाहर चलते हैं और दुर्गापुर लौटते हैं। और मैं जो पंडाल की बात कर रहा था वो वाला यही था कि जिसका लाइट आपको दिख रहा है ना, यही सामने एक पंडाल है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आपको लाइटिंग से ही पता चल रहा होगा कि यार पंडाल भी कितना ही ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है। एंड अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे हम लोग नहीं रुकने वाले हैं क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, और ये भीड़ में मेरे को बाइक रखने का थोड़ा इशू हो जाएगा। और अननोन प्लेस है, मैं जनरली रास्ता भूलते रहता हूँ, पर ये पंडाल आपको मैं रास्ते से ही दिखा दिया। और मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन रात को आके इधर आके वीडियो बना के जाऊं और आपको पूरा इधर का दर्शन कराऊं बढ़िया से। और अभी क्या करना है, मैंने तो सोचा कि यहीं पे वीडियो को क्लोज़ कर देंगे, आगे इसको ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो यू नो क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अच्छे से रहना।